आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जिस तरह आगरा में दिन ब दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, आगरा आईएमए के सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। कोविड 2 की तीव्र गति ने हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। अगर हम दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखते हैं तो हम इसका अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। पहली चीज, हम लोगों को वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, इसकी गति बढ़ानी है और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों। नंबर 2, जो ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं, इनके अंदर भ्रांति है कि सब लोगों को बेड चाहिए या हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है या रेमडेसिविर की आवश्यकता है, इस भ्रांति को हमें दूर करना है। मुश्किल से 15-20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की या बेड की आवश्यकता पड़ती है। अन्य संक्रमित व्यक्ति अपना होम आइसोलेशन से चिकित्सीय निगरानी में स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता भी हॉस्पिटलाइज मरीजों को पड़ती है और ऑक्सीजन जो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है, अगर वो लोग होर्डिंग करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है बल्कि दुष्प्रभाव हो सकता है। रेमडेसिविर की आवश्यकता मुश्किल से 4-5% लोगों को, अत्यंत गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। और आज की डेट में हमारे पास रेमडेसिविर के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो जिनकी उपयोग से हमें रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हम इस कोविड तूफान का बहुत बहादुरी से मुकाबला कर पाएंगे और जिस तरीके से हमने कोविड 1 को मात दी थी, उसी तरीके से हम इस कोविड 2 पर भी विजय प्राप्त करेंगे।